हम लोग अस्सलाम वालेकुम पूरे साउथ पंजाब के हमारे के मिसों के इकट्ठी हो रही है इस्लामाबाद में बेखौफ और खतर हम इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं। मेरी तमाम कारकुनान से, तमाम पाकिस्तान के माओं बहनों बेटियों से, फैमिली से मेरी अपील है कि आप खौफ के बुत तोड़ दें और आप लोग इस वक्त बाहर निकल आए हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जंग नहीं है, हमारी आने वाली नस्ल के लिए पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। कोई खौफ नहीं, कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें धमका नहीं सकता। देखिए हम भी इस वक्त सड़क पर बैठे हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, शेलिंग का भी मुकाबला करेंगे, गुंडागर्दी का भी मुकाबला करेंगे, स्टेट टेररिज्म का मुकाबला करेंगे, लेकिन आज के दिन अगर हमने ये जंग न लड़ी तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ देके, खौफ के बुत तोड़ के बाहर निकल आए, मैं भी सड़क पे बैठे हूं, कोई हमें डर और खौफ नहीं है। बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सबका। लेकिन हमारे होते बस नहीं होंगे, सुन ये प्लान में लिख सकते हो इरादा सुना उन्हें सुन ले कर शाबाश अपन साहब, गुड जबरदस्त, आप खान का शेर हो, शेर शेर जबरदस्त। ये मोहतरमा जरदार का साहब है, पंजाब का काबला लीड करिए, कोटेड हुकूमत की तरफ से सख्त छलींगबाजी इस वक्त शुरू है जा रही है, इंशाल्लाह हम इसे घबराने वाले नहीं है, कोटेड हुकूमत ने जो करना है करे, हम कोटेड हुकूमत किसी सूरत में जब से इन्होंने ये सुनहरा के इमरान खान इस्लामाबाद एंटर हुए ना, इन्होंने शदीद शेलिंग शुरू कर दी है, सांस लेना भी मुश्किल है इस वक्त। इन्होंने इतनी बर्बरियत, इतनी गुंडागर्दी, इतनी शेलिंग हमने कभी स्टेट टेररिज्म नहीं रुकी, इसका हिसाब राणा सदौला को और इस खाद मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देना पड़ेगा। ये खवातीन बच्चे यहाँ पे आए हुए